जनपद पडरौना शहर से महज 3 किलोमीटर दूर खिड़किया में जर्जर हालत में संचालित हो रहे पडरौना के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के औचक निरीक्षण में दर्जन भर बालिकाएं आवासीय विद्यालय से अनुपस्थित पाई गईं। निरीक्षण पर पहुंचे एसडीएम ने जब पूछताछ की तो पता चला कि 12 अनुपस्थित छात्राओं में से 5 ने तो अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, जबकि शेष 7 छात्राओं के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं है। वो कहाँ गई, कब से नहीं है, इस बारे में छात्रावास की वार्डन कुछ भी नहीं बता सकी। जर्जर है हालत। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की खराब स्थिति के बारे में सूचना मिलने पर शुक्रवार को औचक निरीक्षण को पहुंचे एसडीएम और उनकी टीम को विद्यालय में काफी अनियमितताएं मिली। भवन की स्थिति भी काफी जर्जर थी। एसडीएम ने वार्डन के जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने कार्यालय में तलब किया है। एसडीएम सदर गुलाबचंद के पहुंचते ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। भवन की छत जर्जर हालत में मिली। बताया गया कि बारिश में छत टपकती है। बालिकाओं के सोने की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। सफाई की व्यवस्था भी काफी खराब थी। एसडीएम ने बालिकाओं की उपस्थिति के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि 88 बालिकाएं यहां रहती हैं, उनमें 12 बालिकाएं गायब थीं। एसडीएम ने किया जवाब तलब। एसडीएम ने जब इस अनुपस्थिति के बारे में पूछा तो वार्डन संगीता सिंह ने बताया कि बालिकाएं अवकाश पर हैं, लेकिन वह सिर्फ 5 बालिकाओं की ओर से दिए गए अवकाश प्रार्थना पत्र को ही प्रस्तुत कर पाए। शेष 7 के बारे में वो कुछ न बता सकी। एसडीएम ने बताया है कि 12 बालिकाएं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में उस समय नहीं थी, उनमें 5 बालिकाएं कक्षा 6 की हैं तथा 7 बालिकाएं 7वीं कक्षा की हैं। 5 बालिकाओं की तरफ से छुट्टी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। परिसर में चारों ओर गंदगी व्याप्त थी। उन्होंने बताया कि वार्डन से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा उन्हें दस्तावेजों के साथ फौरन कार्यालय बुलाया गया है। इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। लापता छात्राओं के घर पर भी सूचना भेजी गई है। उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने घर ही गई हैं या फिर वह कहाँ हैं। एसडीएम का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। न्यूज़ टाइम्स के लिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।